कृष्णा कृष्णा, पता है मेरे साथ क्या हुआ? उस दुष्ट तांत्रिक ने मेरे ऊपर जादू कर दिया, मुझे सम्मोहित कर लिया। पता है उसके पश्चात मैंने क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, मुझे कुछ याद नहीं। किंतु मैंने क्या किया, मुझे क्या किया मैंने? किंतु एक बार फिर ये सिद्ध हो गया, हम सबके लिए नंदराज से अच्छा मुखिया कोई भी नहीं है। अपमान हो रहा है, नंदना हुआ, कोई भगवान हो गया, ये उचित नहीं है। नंद जी की पगड़ी लौटाओ धनु सेठ। लौटा रहा हूँ। लीजिए नंद जी आपकी पगड़ी। क्या हुआ काना, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? वृंदावन में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है दाऊ, और इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देवी देवताओं, मुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताओ, अन्यथा मैं इस पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे ब्रह्मलोक जीतना है। देखो काना, तीनों मटकियां उठाकर चलनी है और तीनों में से एक भी मटकी टूटनी नहीं चाहिए। तो चलो अब स्पर्धा आरंभ करते हैं। 1, 2, 3। अच्छा राजा, तो ये छल है। हाँ काना, तुम भी तो दूसरों के साथ ऐसे ही करते हो। अब तो मैं ही जीतूंगी। राजा, छल और अहंकार से मुझे कोई भी नहीं जीत सकता। मुझे जीतने के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। चलो फिर से स्पर्धा करते हैं। नहीं दाऊ, अभी सूर्यास्त होने को है, हमें घर चलना चाहिए। प्रकट हो, प्रकट हो देवताओं, प्रकट हो। पृथ्वी का संचालन करने का दम भरने वाले देवताओं, देखो आज तुम्हारी पृथ्वी को मैंने खिलौना बना के रख दिया है। यदि पृथ्वी की भलाई चाहते हो तो मुझे ब्रह्मलोक का मार्ग बताओ। यदि मेरी मटकी नीचे नहीं गिरती ना, तो मैं अवश्य जीत जाते। चलिए कान्हा। राधा, तुम तो कान्हा को चलिया कह रही हो, किंतु तुमने क्या किया? और कान्हा को पराजित करना इतना सरल कार्य नहीं है। कान्हा, राधा और उनकी सखियों को दिखा दो कि तुम ही विजेता हो, और अभी तक सूर्यास्त भी नहीं हुआ है। ये क्या, सूर्यदेव तो अभी तक अस्त नहीं हुए। अस्त दिन इतना लंबा क्यों है? हाँ यशोदा, ये बड़ी विचित्र घटना है। आज सूर्य डूब ही नहीं रहा है। सूर्य डूबेगा नहीं, इसका अर्थ है आज रात्रि होते हुए अभी रात्रि नहीं होगी, और अब तो पवन भी नहीं चल रही है। ये अवश्य कोई बुरा संकेत है। तो तुम में से कोई मुझे ब्रह्मलोक का मार्ग नहीं बताएगा, तो फिर धुंधु की अवहेलना करने का परिणाम भुगतो। मैं अभी इस पृथ्वी को अपने हाथों से कुचल के रख दूंगा। साथियों, हमें शीघ्र अति शीघ्र ही वृंदावन की सीमा पर पहुंचना होगा। वैसे कान्हा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कितना अच्छा होगा
अभी आज रात्रि ही नहीं होगी और हमें सोना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, इसका अर्थ है कि अब हम सदैव खेलते रहेंगे, ना ही जल्दी सोना पड़ेगा और ना ही भोर में जल्दी उठना पड़ेगा। नहीं साथियों, प्रकृति नियम के अनुसार चलती है और हमें भी प्रकृति नियम के अनुसार चलना सिखाती है। भले ही दिन हो या रात्रि, खेल हो या निद्रा, सब कुछ आवश्यकता से अधिक होने पर दुख का कारण बनता है और इसीलिए प्रकृति हमें नियम के अनुसार चलना सिखाती है। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है कान्हा? इसकी क्या वजह है? हमारी सहायता कीजिए नारायण। श्री श्री हरि विष्णु, धुंधु नाम के दानव ने इस पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मचाया हुआ है। उसे वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी देवता के द्वारा नहीं मारा जा सकता, अतः वो ब्रह्मलोक पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है और इसके पश्चात उसका लक्ष्य कैलाश पर्वत और पृथ्वीलोक भी होगा। इंद्रलोक पर आक्रमण करके दुंदु ने उसे भी जीत लिया है। हे श्री हरि विष्णु, उस दुष्ट राक्षस ने ब्रह्मलोक का मार्ग जानने के लिए इस पृथ्वी की गति को नियंत्रित कर पृथ्वी को ही रोक दिया है। अब यदि हमने उसे ब्रह्मलोक का मार्ग नहीं बताया तो उसके हाथों इस सृष्टि का विनाश भी संभव है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है श्रीहरि विष्णु कि मैं क्या करूं, इस ब्रह्मलोक के साथ साथ इस पृथ्वी लोक को कैसे बचाऊं। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। मुनिवर, आपको हमारी सहायता करनी होगी। हे श्रीहरि, ये कैसी विचित्र माया है? आज सूर्यदेव अस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? कहीं ये भयानक संकट के लक्षण तो नहीं है प्रभु? ऐसे विपरीत वातावरण को देखकर हम सब भयभीत हो रहे हैं। हमारी दुशंका को दूर करो प्रभु, हमारे वृंदावन की रक्षा करो, हम सब की रक्षा करो प्रभु, हम सब भयभीत हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, रात्रि शीघ्र ही हो जाएगी और मेरे भक्तों का भरोसा ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, सो तो है, आप अपने भक्तों का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। आप तो सृष्टि के सूत्रधार है, आपके लिए कुछ भी असहज नहीं है। बंदों की अवहेला करने का परिणाम भक्तो। नारायण नारायण, रुक जाओ धुंधु, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? किसी को हानि नहीं पहुंचाना, हम तुम्हें बताते हैं ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग। शीघ्र बताओ नारद, कहाँ है ब्रह्मलोक? नारायण नारायण, ब्रह्मलोक में जाने के लिए तुम्हें एक साथ 1000 अश्वमेध करने होंगे और इस अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ में एक अश्व यज्ञ वेदी से उत्पन्न होगा और यदि वो अश्व यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा तो ब्रह्मलोक के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। नारायण नारायण। ये लो तुम्हारी पृथ्वी। Thank you.
यशोदा। श्री हरि, सदैव की भांति इस बार भी हमारी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि नमन। देखो जैसे मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। चलिए दाऊ। कान्हा और दादो खूब मंत्रणा कर रहे थे। दाऊ तो कान्हा से ऐसे बात कर रहे थे जैसे कान्हा कोई मनुष्य नहीं कोई भगवान हो। और फिर कान्हा ने कहा था कि रात्रि हो जाएगी और रात्रि हो भी गई है। कहीं नहीं नहीं, कान्हा जैसे नटखट बालक भगवान हो ही नहीं सकता। परिक्रमा करनी है अश्व, सहस्त्र शक्तियों के कारण तुम्हारा मार्ग कोई अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास करेगा उसका अंत करके तुम आगे बढ़ जाओगे। विनाश करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करो अश्व। तुम जिस भी स्थान को पार करते जाओगे वहाँ पर मेरा साम्राज्य होगा। कान्हा, हम ये रस्सी का फंदा क्यों बना रहे हैं? दाऊ, कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ वृंदावन पर संकट आएगा। और दाऊ, ये व्यवस्था वृंदावन को उसी संकट से बचाने के लिए है। कान्हा, कौन सा संकट? कैसा संकट? सखियों, सुना तुमने? संध्या में भी वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, हाँ, एक पल तो मुझे भी विश्वास हो गया था कि कान्हा भगवान है। कान्हा और भगवान? हाँ, फिर वही तो मैंने सोचा। कान्हा जैसा नटखट बालक भगवान हो ही नहीं सकता। फिर भी ये बात मन में खटक रही है। मुझे बार बार संदेह हो रहा है कान्हा पर। जाने क्या चल रहा है दोनों भाइयों के बीच। कहीं इनकी हमें तंग करने की कोई योजना तो नहीं है? चलो चलो कान्हा से ही पूछ लेते हैं। नहीं नहीं, इस प्रकार तो वो सचेत हो जाएंगे। सखियों, हमें उन पर छिपकर दृष्टि रखनी होगी। हमारी तीक्ष्ण दृष्टि से ये भेद छिप नहीं पाएगा। दाऊ, चलिए अब हमें वृंदावन की सीमा की ओर जाना होगा। हाँ चलो कान्हा। कान्हा, ये द्वार तो बाहर से बंद है, किसने हमें कक्ष में बंद किया होगा? दाऊ, अवश्य ही मैया ने हमें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कमरे में बंद कर दिया होगा।
पात्र कैसे गिर गया? ये बच्चे भी ना कहीं भी दूध पीते हैं और कहीं भी रख देते हैं, अवश्य वायु से गिर गया होगा। यशोदा कहाँ हो? अरे मत पूछो राधा, कितनी कठिनाइयां से मैं माँ को बातों में बहलाकर आई हूँ। मैं भी राधा, यदि मैया को पता चल गया हम इतनी रात्रि में घर से बाहर हैं, तो समझो हम में से किसी के खैर नहीं। मैं कह रही हूँ ना, हमें कुछ नहीं होगा। देखो वो दोनों भाई भी उठकर रात्रि में जा रहे हैं। ये कान्हा कर क्या रहा है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ये कैसी अद्भुत रस्सी है और कृष्णा ने ये कैसे किया? कहीं वो सच में भगवान तो नहीं? नारायण नारायण। धुंधु, यहाँ से उत्तर की दिशा में यमुना नदी बहती है और उसके तट पर जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिलेगा, यदि तुम उसकी इच्छा पूर्ण करते हो तो तुम्हारी समस्त समस्याएं हल हो जाएंगी। अश्व के साथ साथ ब्रह्मलोक भी तुम्हारा होगा। कहो ब्राह्मण, क्या इच्छा है तुम्हारी? नहीं नहीं, आप मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ब्राह्मण। तुम बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी?